दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। दोस्तों पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं SPD-30 के साथ TM2 को अटैच किया था। यदि आप SPD-30 को TM2 के साथ अटैच करते हैं तो दोस्तों आपके लेयर की संख्या बढ़ जाएगी, लेयर ए, लेयर बी एंड TM2, मतलब आप एड करने के बाद 3 लेयर इंस्ट्रूमेंट का मजा ले सकते हैं। दोस्तों आज की बात यह है कि मैं YouTube जैसे ही चेक कर रहा था कि क्या पोजीशन है हमारे वीडियो, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, तो अचानक बीच में देखा कि कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि SPD-30 और TM2 को मीडी कैसे करते हैं, कृपया मुझे एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों मेरे मन में आई कि ये वीडियो मैं आज ही बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के लिए मैं ये काम आज ही कर डालूं। तो दोस्तों आपके सामने SPD-30 भी है, TM2 भी है, मैंने कैसे कनेक्ट किया है वो अभी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों SPD-30 और TM2 को कनेक्ट करने के लिए आपको TM2 के अलावा 2 केबल की जरूरत पड़ सकती है। पहला केबल आप देख रहे हैं, मैं यहाँ EP केबल यूज किया हूँ, और दूसरा 5 पिन डिन मीडी। दोस्तों EP केबल को SPD-30 के मिक्स इन में डालना है और 5 पिन डिन मीडी को आपके SPD-30 के मीडी आउट में डालना है। दोस्तों ये कनेक्टिविटी इधर क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं TM2 के तरफ। SPD-30 में कनेक्ट करने के बाद अब TM2 में मैं जो वहां मिक्सिंग में EP केबल कनेक्ट किया था आपको यहां हेडफोन में डालना है, मतलब आपके TM2 का हेडफोन का आउट आपके SPD-30 के मिक्सिंग में जा रहा है। और मीडी केबल जो मैंने वहां SPD-30 के आउट में डाला था, आप देख सकते हैं यहां TM2 के मैंने मीडी इन में डाला है। कहने का मतलब SPD-30 से मीडी ट्रिगर आउट होगा और TM2 में मीडी ट्रिगर इन होगा। ऑडियो आउट के लिए TM2 का हेडफोन आउटपुट जाएगा, हेडफोन आउटपुट निकल करके SPD-30 के मिक्सिंग में कनेक्ट करना है। ये आपके हो गई बाहर की कनेक्टिविटी, वायर कैसे कनेक्ट करना है। अब इसके बाद आते हैं सेटिंग्स में, आपको SPD-30 के सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करना है। आइए हम लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इस तरह से जब आपके SPD-30 और TM2 की वायर कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है, मतलब तार आपने सही ढंग से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद आपको SPD-30 के इंटरनल सेटिंग्स पैरामीटर सेटिंग में थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। आप यहां देख सकते हैं मैंने क्या क्या चेंज किया। मेनू बटन दबाने के बाद आपको सिस्टम में आना है। दोस्तों सिस्टम में ये देखिए मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद ऑप्शन कंट्रोल को टच करते हुए मीडी में आना है। आप जब मीडी में आएंगे, ग्लोबल चैनल देखिए मैंने 10 रखा है, सिंक ऑटो, लोकल कंट्रोल ऑन, मीडी थ्रू, इसको सब ऐसे ऐसे रखते हुए टोटल आपको पैरामीटर ऐसे यूज करना है। दोस्तों इसमें एक है प्रोग्राम चेंज TX, अगर आप ये ऑन रखेंगे तो आपके SPD-30 के साथ TM2 का पैच सिमिलरली चलेगा। यदि आपने यहाँ पे पैच सेलेक्ट किया 1 तो ऑटोमेटिक वहां भी 1 सेलेक्ट होगा, आपने यहाँ पे पैच सेलेक्ट किया 10 तो वहां भी ऑटोमेटिक 10 सेलेक्ट होगा। दोस्तों प्रोग्राम चेंज TX का मेन फीचर ये है। ये करने के बाद आपको वापस आना है, वापस मेनू बटन दबाना है, मेनू बटन दबा के इंस्ट्रूमेंट FX उसके बाद मीडी आपको यहां आना है। यहां आने के बाद ये आपका सब ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल में आपको ग्लोबल क्रॉस करने के बाद चैनल, उसके बाद नोट नंबर में आना है। जब आप नोट नंबर में आएंगे तो देख सकते हैं मैंने ये सब नोट नंबर मैच किया। आप देख सकते हैं मैंने ये पैड, ये पैड, ये पैड, इसमें मैंने कहीं भी मीडी नहीं किया। बाकी देख सकते हैं किक, स्नेयर के साथ, सिंबल्स के साथ मैंने 3 साउंड मीडी किया है। इसका नोट नंबर मैं मैच किया हूं। दोस्तों ये सेम नोट नंबर आपके TM2 में भी होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा कि मैंने TM2 में मीडी नोट नंबर मैच करके रखा, और सेम नोट नंबर आपको TM2 में सर्च करना है। TM2 में मीडी नोट नंबर सर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बटन दबाना है। इंस्ट्रूमेंट बटन दबाने के बाद आपको पेज बटन से आगे आना है। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा नोट नंबर। तो ये नोट नंबर आपके SPD-30 से और TM2 दोनों का नोट नंबर सेम होना चाहिए। यदि आपका नोट नंबर सेम हो गया तो दोस्तों आप SPD-30 हिट करेंगे और आपका TM2 प्ले होगा। और जैसा आपने देखा कि मैं SPD-30 में जाकर के मीडी सेटिंग मैंने चेंज किया, तो वो सेम मीडी सेटिंग आपको TM2 में चेंज करनी है। वो चेंज करने के लिए आपको शिफ्ट और इंस्ट्रूमेंट बटन जब इंस्ट्रूमेंट बटन प्रेस करेंगे तो आपको सामने देखिए ट्रिगर सेटअप दिखाई पड़ रहा है। तो ट्रिगर सेटअप के आगे वाले मेनू में सिस्टम में आपको इन करना है। इन करने के लिए आपको प्लस बटन दबाना है। आप जब इन करके पेज बटन से आगे आएंगे तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा मीडी चैनल नंबर। मीडी चैनल नंबर जैसा आपके SPD-30 में है सेम ऐसा मीडी चैनल नंबर आपको यहां भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम चेंज, प्रोग्राम जैसा आपने आपको मैंने वहां दिखाया था प्रोग्राम चेंज, आपको प्रोग्राम चेंज यहां भी ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका SPD-30 के साथ TM2 प्रॉपर मैच नहीं होगा, प्रॉपर सिंक नहीं होगा। प्रोग्राम TX भी आपको ऑन करना है ताकि दोनों का पैच सिमिलर साइमल्टेनियसली एक साथ चले।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मीडी कनेक्टिविटी, मीडी कैसे यूज करते हैं, एसपीडी 30 के साथ TM2 कैसे कनेक्ट करना है, ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एसपीडी 30 के साथ TM2 को ऐड करके म्यूजिकली इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लायक है, आपके यूजफुल है, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक स्पेशल बेल बटन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगा। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड, वीडियो ही नहीं, एसपीडी 30, एसपीडी 20, एसपीडी 20X, TM2, यदि इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में आते, कुछ भी जानकारी हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। यदि मुझे वक्त रहा तो मैं आपको इमीडिएट जवाब दूंगा, वरना 2-4 घंटे में आपको जवाब तो दे ही डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।